तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुझे वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है और डेफिनेटली लोग इसके बारे में खुल से बात नहीं करते। दैट इज द मास्टरबेशन और उसके बॉडी में आने वाले इफेक्ट्स। मेनली आज हम बात करने वाले हैं कि मास्टरबेशन से क्या आपका हेयर फॉल बढ़ता है, क्या आपकी बॉडी में वीकनेस आती है। तो उसके बारे में जानने के लिए चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर किरण चौटालिया, आई एम अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट, अर्बन स्किन एंड हेयर क्लिनिक। मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स होती है, खास करके टीनेज में। आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी बाल्डनेस स्टार्ट हो गई है या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स बहुत फेस करते हैं। तो काफ़ी सारे यंग बॉयज़ के मन में एक डाउट होता है कि सर, क्या मैं जो रेगुलर मास्टरबेशन कर रहा हूँ या फिर मैं ज़्यादा करता हूँ उसकी वजह से मेरा हेयर फॉल भी बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है क्या? उसकी वजह से मुझे बॉडी में वीकनेस आ रही है और या फिर मेरे हॉर्मोन्स में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से मुझे बॉडी में और कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, साथ ही साथ हेयर फॉल बढ़ रहा है क्या? तो दोस्तों, मास्टरबेशन एक ऐसी प्रोसेस है वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। मोस्टली 15 के बाद जैसे ही अपनी प्यूबर्टी में हम शिफ्ट होते हैं तो एक नॉर्मल टेंडेंसी के हिसाब से वो होती है। काफ़ी बार अगर आप खुद से कंट्रोल करने जाओ तो भी नाइट फॉल और ऐसी सारी चीज़ें होके भी वो होती रहती है। तो ओवरऑल काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई है इसके बारे में। एक स्टडी की गई थी कि 2000 एडल्ट्स को पूछा गया था कि आप मास्टरबेट कितना करते हो और कितना रेगुलर वे में करते हो, तो 80% लोग करते हैं एंड इसमें मेल एंड फीमेल सारे शामिल हैं। ओके, तो मास्टरबेशन से क्या बॉडी में वीकनेस आती है? थियोरेटिकली अगर आप देखो तो मास्टरबेशन करने से बॉडी में से जो सीमेन इजेक्यूलेट होता है, तो सीमेन से ऐसी एक मिथ मानी जाती है कि अपनी बॉडी का प्रोटीन लॉस होता है, दांत सिंड्रोम बोला जाता है कि बहुत सारा अपना जो बॉडी का इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है वो रिलीज हो जाता है और उससे बॉडी वीक हो सकती है। तो दोस्तों, ये मिथ है। अपनी बॉडी में डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 1 ग्राम पर केजी होती है। मीन्स हमें मोस्टली हमारी रूटीन इंडियन डाइट से हमें 60 ग्राम तक प्रोटीन डेली बॉडी में जाता है, जबकि जब सीमेन रिलीज होता है या 3 से 4 ml ही सीमेन रिलीज होता है पर इजेक्यूलेशन, और 1 ml सीमर 100 ml सीमन में अराउंड 5 ग्राम तक ही प्रोटीन रहता है। तो अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करो तो इतना कोई प्रोटीन लॉस मास्टरबेशन से नहीं होता है। तो डेफिनेटली आपको ऐसा कोई डर नहीं रहना चाहिए मन में कि मैं मास्टरबेशन करूंगा, मेरा बॉडी में से प्रोटीन या मिनरल्स और विटामिन का लॉस हो जाएगा और उससे मेरी बॉडी वीक हो जाएगी। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, मास्टरबेशन से एक दूसरा माना जाता है कि अपने बॉडी में हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और मेल्स में जो होने वाली बाल्डनेस है उसका भी रीज़न हॉर्मोन्स है कि बॉडी में DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन अगर हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे बॉडी के बाल जो जल्दी जल्दी जाते हैं, और वो ट्रू भी है। तो हार्मोन्स की ज़्यादा इफेक्ट की वजह से बाल्डनेस होना एक चीज़ है और मास्टरबेशन का और हार्मोन का जो डिफरेंस है, मीन्स उनका बैलेंस है, वो दूसरी चीज़ है। मास्टरबेशन करने से बॉडी में हार्मोन्स बढ़ना जो है वो एक मिथ है, उससे बॉडी के हॉर्मोन्स के लेवल में कोई चेंज नहीं आता। मास्टरबेशन तभी करने को मन करता है जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और उसकी वैल्यू बढ़ती है, अपनी मेंटल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस में वो चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से होता है। तो मास्टरबेशन करने का मन करना या मास्टरबेशन की आदत डालना वो हॉर्मोन्स की वजह से होता है, ना कि मास्टरबेशन की वजह से हॉर्मोन्स के ऊपर इफेक्ट आता है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है दोस्तों कि अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो तो उससे आपके बॉडी के हॉर्मोन्स में कोई चेंज नहीं आने वाला। ओके, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है और वो रेगुलर आपका होता रहेगा। हेयर फॉल है वो हॉर्मोन में आने वाले चेंजेस की वजह से होता है, इसका डायरेक्ट मास्टरबेशन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, मास्टरबेशन करने से साइकोलॉजिकल और फिजिकल भी थोड़े फायदे होते हैं। मास्टरबेशन करने से आपकी सेक्सुअल लाइफ हमेशा ओवरऑल जो है, अगर कोई नॉर्मल वे में कर रहा है तो डेफिनेटली अच्छी रहती है, बॉडी का फिजिक्स इम्प्रूव होता है। मास्टरबेशन स्ट्रेस रिलीव भी करता है, आपकी स्लीप की क्वालिटी इम्प्रूव करता है। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपकी बॉडी को हेल्प करती है, और डेफिनेटली स्ट्रेस रिलीव होना है तो आपका हेयर फॉल का वन ऑफ द रीज़न है वो भी कवर अप होता है। तो सिंपली दोस्तों, ऑलवेज थिंक मास्टरबेशन से हेयर फॉल ज़्यादा नहीं होता,
आपको मास्टरबेशन से उसके रिलेशन में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्टरबेशन और सेक्स दोनों चीज़ों से हेयरफॉल का ज़्यादा लेना देना नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों और कोई भी आपके डाउट हो इसके रिगार्डिंग, आप हमें डायरेक्टली पूछिए, हमारी टीम है आपको डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करेगी। आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और आपको और जानकारी चाहिए तो हमें कॉल या कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।